अस्सलाम वालेकुम। आज हम एकता नबी विषय मराठी कविता क्रमांक 6 बिन भिंतीची शाळा, इसके कवि है गदी माडगुळकर, प्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक, कादंबरीकार, गीत रामायणकार, जोगिया, चैत्रबन, वैशाखी, पूरिया इत्यादि गीत संग्रह, गीत गोपाल, गीत सौभद्र ही काव्य निर्मिती, कृष्णांची करंगडी, तुपाचा नंदादी हे कथा संग्रह, आकाशाची फळे, उभे धागे, आडवे धागे या कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत। भारत सरकारने पद्मश्री हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केलेला आहे। प्रस्तुत कवितेत अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कवीने सोप्या व सरळ शब्दात मांडले आहेत। आता आपण कवितेकडे वळूया। बिन भिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांची गोष्ट करू। यानी बिन भिंत यानी बगैर दीवार की स्कूल, और जो बंधन नहीं है ऐसा निसर्ग, मोकला है, मुक्त है, और ये निसर्ग से भी हमें कुछ सीख मिलती है, और ये भी जो है हमारी एक स्कूल है। यहाँ पर लाखों शिक्षक है, गुरु है, टीचर है, और चलो बच्चों हम जो है झाड़ वेली यानी बेल, पशु प्राणी पक्षी इनसे जो है बातें करेंगे। बघु बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुला फुलांचे रंग दाखवीत फिरते फुलपाखरू। भुंगे भिंगोटे, और जो है मुंगे मुंगियों ने जो बंगला बांधा है, आपने देखा होगा कि मुंगियों का बंगला कौन सा होता है, याद आया होगा आपको, वारुल, जिसे वारुल कहते हैं। यानी हमें उसे देखना है, चलो देखने जाएंगे, और वो जो है भुंगे जो आवाज़ करते हैं गुन गुन गुन, उनका मधुर मीठा आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे। और ये जो फूल पाखरू है, तितलियाँ है, ये जो हमें रंग अलग अलग दिखाते हैं, और ये जो परिंदे हैं फूल पाखरू, भिरभिरनारे हैं फूल पाखरू पहा, और ये जो फिरने वाले हैं फूल पाखरू तितलियाँ, इन्हें देखेंगे। हिंडू ओढ़े धुंडू ओहोड़, झाड़ावरचे काडू मोहड़, चिड़त्या डस्त्या मधमाशांची जरा सामना करू। ओहड़ धबधबे, और मोहड़ यानी जो शहद का छत्ता होता है इसे मोहड़ कहते हैं। और ये जो ओढ़े हैं इनके किनारे से हम जो है घूमेंगे, और जो जंगल के झरे नाले उन्हें ढूंढेंगे, और झाड़ों पर जिन मधुमक्खियों ने मध के लिए अपना छत्ता बनाया हुआ है उन छत्तों को निकालेंगे। और वो जो है चिढ़ने वाले
मक्खियां हैं उनका छत्ता निकालेंगे तो वो चिढ़ेंगी और हमें डसेंगे, चाबेंगे। अगर वो आए अपने ओर छत्ता निकालने के बाद तो हम जो है उनसे संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। भले सकाड़ी उनात ना हो, ऐन दुपारी पाऱ्यात पोहू, सायंकाळी मोजू चांदण्या, गणती त्यांची करूं। अब जो है सूर्योदय सुबह सुबह जो है हमें कौले ऊन की धूप में आंग पर लेना है। कौला जो सुबह की जो धूप है हमें अपने आंग पर लेना है। नहाओ बोले तो धूप से नहा नहीं सकते, अपने शरीर पर ले सकते हैं और लेना बहुत ज़रूरी है। जो है सुबह सुबह की धूप लेना ज़रूरी है। और सूर्य स्नान करू भर दोपहरी ओढ़िया में दे पहुया, और भर धूप में नदी में नहाएंगे और शाम को जो आकाश में आसमान में जो चांदनियाँ हुआ करती है उनकी हम गणती करूँ यानि मोजेंगे, उसे जो है मोजेंगे। आसमान में जितने भी तारे हैं उतने सब हम मोजेंगे। सकाळ संध्याकाळ सुबह शाम निसर्गाच्या यानी जो निसर्ग है इसकी जो बिन भिंती की स्कूल है, बगैर भीत की बगैर दीवार की जो स्कूल है, जो अभी इन्होंने जो किया ये जो है निसर्ग के बगैर दीवार की स्कूल में किया। और एक स्कूल जो होती है हमारी जो हम पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ से किताबों के ज़रिए टीचरों के ज़रिए कुछ सीखते हैं, मगर ये जो स्कूल है निसर्ग इसे दीवार नहीं है, इसके अंदर जो है हम लोग मन सोक्त खेल सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, मगर शरारत के साथ साथ बच्चों हमें पढ़ाई भी करना है। अल्लाह हाफिज़।